हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। एमईसी 109 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही डिपेंड नहीं रहना है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ज़रूर आएंगे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और जितनी भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड हैं जिस भी सब्जेक्ट की, ठीक है, एमईसी 109 की भी और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप चाहे सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या फिर आपकी बैक थी, तो आपको जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड हैं वो सारी करनी है। क्यों? क्योंकि वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इग्नू में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अभी से अपने नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दिसंबर एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ जो अभी जून के एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में कंडक्ट हुए हैं, अगस्त और सेप्टेम्बर में, तो क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं मोस्टली सब्जेक्ट्स के, जिनके नहीं हैं उनके अपलोड हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन पेपर भी आप लोग एक बार देख लेना जो उसमें क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। इस बार आया था एक क्वेश्चन और उसके वेरियस स्टेप बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। क्लस्टर एनालिसिस, इसकी वीडियो अपलोडेड है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, उसके मेथड्स बताने हैं। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन इसके वेरियस मेथड अपलोडेड नहीं है। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। इसका एक मेथड जो है केस स्टडी मेथड, वो अपलोड है। मोनो मेथड और मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आया था। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस, वेरियस मॉडल ऑफ रिग्रेशन, इस बार ये क्वेश्चन आया था। इनइक्वालिटी और इसके मीजर्स बताने हैं, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ साथ लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशेंट, इसके मीजर्स होते हैं, तो इन पर अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता था। वीडियो दोनों तरीके से अपलोड है और इनइक्वालिटी और उसके मीजर्स की जो वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, वो एमईसी 108 में मिलेगी, लेकिन लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट की आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेपरेट में भी बनाई है और इनइक्वालिटी और मीजर में भी मैंने इन दोनों को डिस्कस करा है और सेपरेटली भी इन दोनों को डिस्कस करा है। तो आप दोनों वीडियोस को देख लेना। कंपोजिट इंडेक्स, ये हमेशा रिपीट होता क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो जून वाले एग्ज़ाम हुए उसमें नहीं आया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर एग्ज़ाम में ना है। तो कंपोजिट इंडेक्स और उसके वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो रह गए हैं अभी अपलोड करने को, कंपोजिट इंडेक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, उसकी वीडियो है प्लेलिस्ट में। लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियोस भी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग और इसके टाइप्स, ठीक है, इसके टाइप्स जो हैं इनमें डिफरेंस आ जाता है। रैंडम और नॉन रैंडम में भी डिफरेंस आ जाता है, जिसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे सेपरेट वीडियो बनी हुई है, साथ साथ इनके जो वेरियस टाइप्स हैं उनकी भी वीडियोज़ भी है। तो आप जो वीडियो है वो पूरी देखना, ठीक है। अब ये भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी अच्छे से कर लेना। फिर बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस की तरफ। तो ये कुछ 18 डिफरेंस है जो आपको करने हैं, बाकी आप जितना कर सकते हैं ये 10 डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में ये बाकी के 8 डिफरेंस है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, बाकी जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो भी आपको करना ही है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।